राजधानी रायपुर में यूनिफाइड कमांड की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान नक्सल गतिविधियों की समीक्षा की गई है और इनके नियंत्रण के उपायों पर भी चर्चा की गई है। साथ ही सीएम बघेल ने बताया कि पैरामेट्रिक फोर्स और स्टेट पुलिस के बीच समन्वय बहुत अच्छा है, साथ ही कैंप भी बहुत सारे खुले हुए हैं। इसमें आम जनता की सुविधाएँ की चीज़ें शामिल हैं। साथ ही बीजापुर सुकमा में तो राशन कार्ड आधार कार्ड नहीं था, सब बनवाने का काम किया गया। राशन दुकान, आंगनबाड़ी, 260 स्कूल जो बंद पड़े थे उसको खोला गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयास से पैरामेट्रिक फौजी मेहनत से नक्सली काफ़ी पीछे हटे हैं। इस दौरान बैठक में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, छत्तीसगढ़ के DGP समेत पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी, केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इनकी बैठक हुई जिसमें केंद्रीय गृह विभाग के सचिव भी आए थे और हमारे जितने भी यहाँ के मुख्य सचिव, DG सहित सारे जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ हैं, तो CRPF के DG और सारे अधिकारी उपस्थित थे और अन्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। हमारे गृह मंत्री विशेष रूप से उपस्थित थे। अच्छी बैठक हुई और अभी पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस के बीच समन्वय बहुत अच्छा है।